अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद अबगी नए रंग तेरे मईत में अबाब। माई फ्रेंड, आज हम थर्ड क्लास में पोडोफाइलम पेल्टेटम की गाइडिंग सिम्टम पढ़े हैं। तो इसमें पहली इसकी सिम्टम डिफ़िकल्ट डेंटिशन, मोर्निंग, ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट, इंटेंस डिज़ायर टू प्रेस द गम्स टुगेदर, हेड हॉट एंड रोलिंग फ्राम साइड टू साइड। ये डेंटिशन के वक्त की बहुत बड़ी दवा है। पोडोफाइलम हमारी डेंटिशन के वक्त की बहुत बड़ी दवा है, जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, और टिपिकली उस दौरान बच्चा अपने गम्स को ज़ोर से पीचता है, आपस में दबाता है, प्रेस करता है गम्स को, ठीक है। और इसका सर गर्म होता है और ऐसे 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 रोलिंग ऑफ हेड, सर इधर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, ठीक है। तो मॉर्निंग लो इसमें टोन में कराहता रहता है साथ साथ। नंबर टू है डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, अर्ली मॉर्निंग कंटिन्यूस थ्रू फोरनून फॉलोड बाई नेचुरल स्टूल इन इवनिंग एंड कंपनीड बाई सेंसेशन ऑफ वीकनेस और सिंकिंग इन अबडामन और रेक्टम। इसका डायरिया बड़ा टिपिकल सी सूरत हाल होती है इसमें। तो एक मुसलसल चल रहा है और डे टाइम में अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह से शुरू होता है, फिर ये दोपहर से पहले तक रहेगा, फिर रात शाम के वक्त जो स्टूल आएगा वो नॉर्मल स्टूल में आएगा, सॉलिड है, ठीक है। इसके साथ ये सेंसेशन होती है पेशेंट को, एक उसको कमज़ोरी है पेट में, ऐसे जैसे डूब रहा है, इस तरह की सूरत हाल होगी पेट में, अबडामन में और रेक्टम में। नंबर थ्री है डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीथिंग After eating, while being bathed or washed of dirty water, soaking napkin through with gagging. Diarrhea of children during teething. Teething के दौरान patient को डायरिया, बच्चे को डायरिया टिपिकली जब teething की एज होती है, ये 6 months से तकरीबन लगभग शुरू होती है, ठीक है। तो इस एज में बच्चा कुछ खाता है तभी मोशन आ गए, ठीक है, और वो नहाता है, अगर वैसे उसको धोया जाता, साफ़ किया जाता है तो तब भी बच्चे को मोशन लग जाते हैं, ठीक है। साथ उसके रैचिंग, जैसे मुंह खोलना, बत टाइप जो वर्ड होता है पंजाबी में, इस तरह की कंडीशन होती है। नंबर फोर है पेनलेस कॉलरा मॉर्बस, कॉलरा मॉर्बस, पेनलेस कॉलरा। अच्छा, इसमें जो लूज़ मोशन आ रहे हैं, उल्टियाँ भी आ रही हैं, लूज मोशन भी आ रहे हैं, लेकिन विद नो पेन, पेट में दर्द नहीं होगा इसके साथ, पेट में दर्द नहीं होगा इसके साथ, बस लेकिन वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन भी आ रहे हैं, सारी हैजे वाली कैफियत है, ठीक है, और लेकिन पेट में दर्द नहीं होगा, ये पेनलेस डायरिया इसका होगा। वीकनेस होगी, वीकनेस ये करता है स्कूल के बाद, बच्चा जब उठता है तो बिल्कुल बेजान होता है, मुरझाया हुआ होता है, ठीक है ना, लेकिन दर्द के साथ मोशन नहीं आएंगे इसको। उसके बाद है स्टूल्स, नंबर सिक्स है, नंबर फाइव है लोक्वेसिटी डिलीरियम। लोक्वेसिटी का मतलब होता है ज़्यादा बोलना, बातें करते बोलना, डिलीरियम, अगर इसको फीवर वगैरह होता है तो उसमें डिलीरियम की कैफियत इसके अंदर आ जाती है, यानी कि जो डी ट्रैक हो जाता है पेशेंट। नंबर सेवन है ओवर फटीग ऑफ माइंड फ्राम बिजनेस, जो भी कोई कारोबार कर रहा है, जो रोज़मर्रा के उसके काम हैं उनकी वजह से इसका जहन बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट हमारा कन्वल्शंस ड्यूरिंग डेंटिशन। बाज़ बच्चे जब टीथिंग पीरियड में होते हैं, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो इस दौरान बच्चे को फिट्स पड़ते हैं। फिट्स टिपिकली क्या होता है, बच्चा बाज कर रोता है तो इतना नीला पीला वो हो जाता है, सांस उसका रुक जाता है, सांस रोक लेता है, ठीक है। इस तरह की कन्वर्जेंस के लिए भी पोडोफाइलम इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर नाइन है स्टूल ग्रीन वाटरी फीटेड प्रोफ्यूज गशिंग आउट चौक लाइक जेली लाइक प्रोलैप्सिस रेक्टम बिफोर आर विद स्टूल। अच्छा, ये आप ये देख रहे हैं कि स्टूल इसका ग्रीन भी है, वाटी भी है, जेली लाइक भी है, वाइट भी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल इसमें आएंगे आपको, लाइक पल्सटिला, ठीक है, जिस उसमें चेंज होती है ना, इसमें स्टूल चेंज भी आएंगे,
चेंज भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। जेली लाइक जैसे लोस्कोट्राइना के स्टूल्स होते हैं, चॉक लाइक भी। और टिपिकल जो अहम तरीन बात होती है इसमें और बाकी दवाई में फ़र्क ये होगा किसके साथ पेशेंट की रेक्टम प्रोलैप्स कर जाएगी, रेक्टम प्रोलैप्स कर जाएगी, वो बाहर आ जाएगी रेक्टम पेशेंट की, ठीक है। रेक्टम बिफोर आर विद स्टूल, स्टूल करने से पहले जैसे स्ट्रेनिंग करेगा तो रेक्टम आउट, या फिर स्टूल के साथ ड्यूरिंग स्टूल भी रेक्टम बाहर आ जाएगी। नंबर 10 है हेडेक अल्टरनेट्स विद डायरिया, तभी सर में दर्द है, सर दर्द ठीक होती है तो डायरिया शुरू हो जाता है, डायरिया शुरू होता ठीक होता है सर दर्द शुरू हो जाती है, इस तरह से अल्टरनेशन इसमें आती है हेडेक में और डायरिया में। नेक्स्ट नंबर है इन अर्ली मंथ्स ऑफ, हाँ नंबर 11 है प्रोलैप्सिस यूट्राई फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अच्छा अब इसकी स्टूल पास करते वक्त रेक्टम तो प्रोलैप्स होती ही होती है, ठीक है, ये रूटा के अंदर भी सिमटम पाई जाती है, लाइकोपोडियम के अंदर भी सिमटम पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये फीमेल्स के अंदर यूट्रस भी प्रोलैप्स कर जाती है, किससे, वज़न उठाया, ज़्यादा स्ट्रेनिंग की, ठीक है, और कब्ज की वजह से और पार्टिशन की वजह से जब जचगी होती है तो उसके बाद भी ये यूटरस प्रोलैप्स कर जाती है पोडोफाइलियम में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें प्रोलैप्स आपको मिल गया, रेक्टम में भी मिल गया और यूटरस का प्रोलैप्स मिल गया। नंबर 12 है इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन स्टमक। अच्छा ये इसकी बड़ी रेयर सी सिम्टम है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, इसमें पेशेंट जो है पेट के बल सोना पसंद करती है, पेट के बल सोने से उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है ना, अलग प्रेग्नेंट औरत के लिए पेट के बल सोना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, मुश्किल होता है उसके लिए सोना, तो ये जब पेट के बल सोएगी तो इसको अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आ गया है सप्रेस मेंसेस इन यंग गर्ल्स, सुप्रेस मेंसेस इन यंग गर्ल्स अभी टीनेजर्स हैं उनके अंदर मेंसेस सप्रेस हो गए, लाइक पल्सेट इला में भी सप्रेशन होती है, ठीक है। तो ये पोडोफाइलियम जो है ये सप्रेशन को उखाड़ेगी, ठीक है, रिवर्स करेगी इसको, मेंसेस लाएगी जिनके सप्रेस हो चुके हैं मेंसेस। नंबर 14 है पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ द लिवर विद हिज हैंड, ये भी इसकी बड़ी अहम सिम्टम है हमारी पोर्टोफाइलियम पल्टेरेटम की, कि इसके पेशेंट आपके राइट हाथ में कॉन्टेक्ट रीजन जो है जिधर लिवर होता है, लिवर वाली साइड पे ऐसे 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 हाथ मलता रहेगा, ऐसे ऐसे उसको ये थपता रहेगा, इस तरह से करेगा। मैंने एक दो पेशेंट ऐसे थे जो उनकी सिम्टम्स के ऊपर उनका इवन हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट किया था, वो ठीक हो गए थे, ये इतनी ये भारी सिम्टम है ये अच्छी खासी। अच्छा नेक्स्ट है वायलेंट क्रैम्प्स इन फीट कॉल्स थाइस शेकिंग द लिव, अच्छा थाइस वाटरी पेनलेस स्टूल, ठीक है, स्टूल इसके पेनलेस है, स्टूल्स आने के बाद क्रैम्प्स वगैरह तो पड़ेंगे टांगों वगैरह में सारे, ठीक है, पाँव में भी। तो नंबर 16 है फीवर पैरॉक्सिज्म एट 7 विद ग्रेट लोक्वेसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट। फीवर पैरॉक्सिज्म का मतलब होता है अटैक का शुरू होना, अटैक एट 7 AM सुबह के 7 बजे ये अटैक शुरू होता है। 7 क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, बातें करे जा रहा है। आपने एक मेडिसिन पढ़ी हुई है कि जिसमें मेलिरेशन विद कन्वर्सेशन है, फर्स्ट एड की दवा है बुखार में या किस भी हालत में, मेलिरेशन विद कन्वर्सेशन, नो यूपटोरियम परफोलियाटम उसकी सिम्टम है। सो माय फ्रेंड आज हमने पोर्टोफाइलियम पेरिटोनियम की गाइडेंस में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।